हाँ जी, मैं अमरजोत सिंह बोल रहा हूँ भी हिंदुस्तान से। और आपका नाम बताएं पहले तो। जी, मेरा नाम तारक इकबाल है। आपकी शक्ल ऊपर जा रही है, थोड़ा नीचे को आए जरा, कैमरे को नीचे को आए जरा। हाँ, और नीचे ऐसा नीचे तो करें शक्ल, और करें और करें और करें। हाँ, अब ठीक है। तारिक इकबाल कहाँ रहते हैं आप? सऊदी में? सर, सऊदीया में सऊदी में रहते हैं। और बताएं क्या सवाल है आपके, क्या क्या समझ, क्या प्रॉब्लम है? जी, मैं ये कनाडा पीआर के बारे में कुछ सवालात पूछना था। पूछे। अच्छा, तो मेरा जो मेन एप्लीकेंट है वो मेरी वाइफ के थ्रू मैं बता रहा हूँ ठीक है, पूछे पूछे। उनका उनकी एजुकेशन क्या है? जी। उनका जो एज के बारे में बता रहा हूँ कि 26 उनकी एज है ओके। और 22 ईयर इसमें हम यहाँ सऊदीया में रहे, ओके। और उसकी जो क्वालिफिकेशन है तो इन्होंने पहले किया था, जो मैट्रिक किया वो भी यहाँ से किया, रियाद से, फिर चलिए सेकंड। चलिए, ऐसा करते हैं, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप मेरे सवालों का जवाब देते हैं, उससे मालूम पड़ जाएगा। आप ये बताएं कि उनकी जो जी सबसे सबसे जो लास्ट क्वालिफिकेशन क्या है, BA, MA, PhD क्या किया उन्होंने? जी उन्होंने मास्टर किया है एमए में, अच्छा, कौन से साल में? ये मास्टर किया है इंग्लिश, इंग्लिश में किया है सर। कौन से साल में ब्रदर? साल हाँ, ये 2018 से। अच्छा, तो अभी अभी नौकरी क्या करती हैं ये? क्या इनके पास एक्सपीरियंस किस बात का है? एक्सपीरियंस सर, रिसेंटली एक्सपीरियंस तो उनका ओ लेवल पढ़ा रही है इधर इंटरनेशनल स्कूल, पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल में एज ए टीचर पढ़ा रही हैं? इज ए टीचर सर। अच्छा, और 1 साल से, 2 साल से, कितने साल से? अच्छा, सर ये तो अभी रिसेंटली उन्होंने ज्वाइन किया है, और इससे पहले जो है रिसेंट। 3 साल पहले का एक्सपीरियंस भी है सर, किस चीज का? अच्छा, वो भी टीचिंग का। 2 साल जो है रियाद में पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल है उसमें पढ़ा रही थी, और फिर उसके बाद जो है उधर एज ए मैथ्स टीचर पढ़ा रही थी, उसके बाद जो है यहाँ पर एक अल नूरान इंटरनेशनल स्कूल है बुरैदा, फिर उसमें 1 साल पढ़ा रही थी। ओके। सो जहां तक मैं आपके समझा हूं कि उनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस टोटल है कि नहीं है? सर ये पहले से है, ये तो बिल्कुल रेडी है, और अभी जो ओके। है अभी इन्होंने रिसेंटली तकरीबन 2 हफ्ता हुआ कि ज्वाइन किया है। ठीक ओके, मेरी बात सुने ध्यान से। है सर। इनके पास MA की डिग्री है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, उम्र है इनकी 26 साल, जी बिल्कुल इनके पास IELTS इंग्लिश लैंग्वेज का स्कोर है। जी, इनके पास एक है सेल्टा, इन्होंने किया है बैंकॉक से। नहीं, सेल्टा की जरूरत नहीं है बादल, हमें चाहिए है, कनाडा में चाहिए है IELTS। आप गूगल पे सर्च कर लें, आ जाएगा। हाँ हाँ IELTS सर्च करें, IELTS का स्कोर, मेरे बात ध्यान से सुन लें ब्रदर्स, ध्यान सुन लें पहले। IELTS का स्कोर इनको लाना है, इनको एग्जामिनेशन देना है, और उसमें इनको स्कोर लाना है सेवन सर सेवन वो सेवन एट लाना है। ठीक है सर, वो आपको बता रहा हूँ कि इन्होंने एकेडमिक में वो आइल्स 6.5 लिया है। हाँ, एकेडमिक नहीं चाहिए, जनरल चाहिए है, और 6.5 से बात बनने वाली नहीं है, इससे ऊपर चाहिए। ठीक है सर, यानी ये दोबारा जनरल में दोबारा देना पड़ेगा। दोबारा देना पड़ेगा, और CLB 9 तक लेकर आए, मतलब के 2 पायदान ऊपर लेकर आए थोड़ा सा जहां से अभी हैं, तो इनकी फाइल लग जाएगी, इनकी PR की फाइल कामयाब हो सकती है, हो जाएगी। ठीक है सर। सर एक और क्वेश्चन ये है ना कि इनका जो स्टडी लेवल है ना, इन्होंने डिस्टेंस पढ़ा है, यानी इन्होंने पहले से 3 ईयर अनर डिप्लोमा किया है, यानी 2 साल इन्होंने यूके से किया है और 1 साल फिर मलेशिया से उससे किया उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है आपकी जो सर। डिग्री है इवैल्यूएट होगी, उससे इवैल्यूएट होकर अगर उसके इक्विवेलेंस कनाडा के आ जाएगी तो कोई कोई दिक्कत नहीं है, चाहे डिस्टेंस करी है चाहे फिजिकली क्लास में करी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर, ठीक है सर।
सर, और ये जो बता रहे कि ये ईसीए जो है, ईसीए का वो तरीकेकार क्या है सर? ईसीए का जो तरीका है, आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाएं, जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की वेबसाइट पे है, सिटीजनशिप इमिग्रेशन कनाडा, वहाँ पर ईसीए टाइप करें। वहाँ पर 5 कंपनियाँ हैं, एजेंसीज हैं जो ईसीए करती हैं, और वहाँ पर ऑनलाइन अकाउंट बना के उनको अपनी डिग्रीज, ट्रांसक्रिप्ट, मार्कशीट्स वगैरह सब भेजनी है। 1-1.5 महीना लगेगा, उसके बाद वहाँ से लेटर आ जाएगा कि आपकी डिग्री किस लेवल पे कनाडा के लिए असेस हो गई, तो उस लेटर को यूज करके आप पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं। सर, ये एक और क्वेश्चन, जो एनवेलप उधर से आ रहे हैं ना, और वो मेरे ख्याल में उसी कंपनी को भेजना पड़ेगा, तो वो किस हिसाब से हम उधर से मंगवा के उसके ऊपर, वो बोल रहे हैं कि स्टैंप वगैरह उसके ऊपर लगे हो ताकि कोई, तो जहां से उन्होंने डिग्री करी है, इंग्लैंड से कहीं से भी करी है, तो वो वही जो महकमा है उनको सील लिफाफे में, जिससे कि पता लगे कि जेन्युइन इंफॉर्मेशन जा रही है, वहीं से डायरेक्टली वो कनाडा भेजेंगे। वो लोग भेजेंगे या वो उधर से इधर आके फिर हम लोग भेजेंगे? नहीं, वो प्रेफर करते हैं कि डायरेक्टली वो यूनिवर्सिटीज आपके नाम की जिसकी डिग्री है उसके नाम का फाइल नंबर लेके डायरेक्टली वहां भेजें। ऑफ कोर्स पैसे लेंगे कुछ वो, लेकिन जो सिस्टम उनका है तो वहीं से वो प्रेफर करते हैं कि डायरेक्टली जाए। ये सब बातें जो है ना, वो ये सब बातें जो है ना, जो जो एजेंसीज आप चूज करेंगे उनकी वेबसाइट पे जाएं तो वो सारा प्रोसीजर वहां पर लिखा हुआ है, और वहीं से आप उनकी एजेंसी की वेबसाइट पे देख सकते हैं। आपको ऑनलाइन अकाउंट एक बनाना पड़ेगा और वहां सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी कि कैसे भेजना है। ठीक है सर, ठीक है सर। और बताएं सर, यूके जो, ये यूके में 2 साल उधर गुजारे हैं और 1 साल जो है ये फिर हमने मलेशिया, और उसका हमारा ट्रेवल हिस्ट्री भी ये है कि हम बैंकॉक भी गए थे ये सेल्टा के लिए, और उसके लिए ये मलेशिया के लिए भी कन्वोकेशन सेरेमनी जब था तो हम उसके लिए भी उधर गए थे, तो ये कोई उसमें वो कर रहे, कोई प्लस पॉइंट है इसका? कोई प्लस पॉइंट नहीं है इससे, कोई प्लस पॉइंट नहीं। प्लस पॉइंट सिर्फ 4 चीजों पे मिलेगा। एक तो उम्र आपकी छोटी है उसके पॉइंट मिलेंगे, दूसरी आपकी एजुकेशन है उसके पॉइंट मिलेंगे, तीसरा आपका जो जॉब एक्सपीरियंस है उसके पॉइंट हैं, और चौथा जो आपका जो इंग्लिश का स्कोर है इसके पॉइंट हैं। इसके अलावा और किसी के पॉइंट नहीं है आपके लिए। सर, जॉब एक्सपीरियंस का कोई अच्छा सा तरीका जो हम उसी थ्रू, यानी जॉब वगैरह वो तो तमाम सर्टिफिकेट सब कुछ हमारे साथ है, लेकिन जो उनके लिए जैसे मायार का होना चाहिए उसके लिए क्या जरूरी है सर? जब आप फाइल लगाएंगे, जब अपनी फाइल ऑनलाइन बनाएंगे, तो उसमें ऑटोमेटिकली आपको वो फॉर्मेट बता देंगे कि कैसे आपको जॉब एक्सपीरियंस लेटर लिखवाना है, जॉब एक्सपीरियंस लेटर में क्या क्या लिखवाना है, और वहीं से जनरेट हो जाएगा। तो अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी मेरे ख्याल है कि आप सिर्फ अपने इंग्लिश पे फोकस करें, इंग्लिश का स्कोर लेकर आए। ठीक है सर, ठीक है सर। और बताएं। तो सर, ये सोच रहा हूँ कोई ऐसा हम सवाल हो। सवाल सारे खत्म हो गए आपके यहाँ लगता है? तकरीबन सर। वैसे हम एलिजिबल है सर? बिल्कुल एलिजिबल है वो, बिल्कुल। ठीक है सर, ठीक है। और सर, ये जो इसमें मेन एप्लीकेंट के अलावा अगर मैं अपना कुछ ऐसा कुछ शो कर सकता हूँ या वो काफी है? आप भी शो कर सकते हैं, आपकी एजुकेशन अगर है वो एजुकेशन शो कर सकते हैं आप अपनी, और आपकी जो इंग्लिश है वो शो कर सकते हैं, तो उन दोनों के पॉइंट्स जुड़ेंगे। अच्छा सर, ठीक है सर। वरना एक ही काफी है सब कुछ? वरना एक ही काफी है, वही अकेली काफी है, क्योंकि अभी मेरे साथ 2 किड्स भी है, एक 4th ईयर का है डॉटर है और 4 मंथ का बेटा है। वो सारे को लेकर अपनी एप्लीकेशन साथ चलेगी, जितने भी बच्चे हैं आपके, 2-3 बच्चे जितने भी हैं, सबको, सब इंक्लूड है इसमें। ठीक है सर। और कोई सर, आपने अपनी तरफ से अगर कोई वजाहत हमें दे सकते हैं जो हमारे जहन में ना हो? आप सिर्फ इंग्लिश का स्कोर लाएं, अच्छा इंग्लिश लाएं, उससे ही सारे सारे रास्ते खुलेंगे आपके,
और इंग्लिश अच्छा होगा तो सब कुछ इजी हो जाएगा, इंग्लिश अगर नहीं है तो कुछ नहीं होगा। इंशाल्लाह हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। तो ये जो सेल्टा किया है इसका कोई यानी उसमें नहीं है, ये ना भी एक टीचिंग सर्टिफिकेट है सर? ना ना, तो होगा टीचिंग सर्टिफिकेट, आपकी नौकरी में काम आएगा, लेकिन कनाडा के इमिग्रेशन में काम नहीं है। अच्छा ठीक है सर। सर यानी ईसीए में ये काम नहीं आएगा? नो नो, ईसीए में काम नहीं आएगा। ईसीए में सिर्फ आपकी जो डिग्री काम आएगी, डिग्री कहाँ से मिली है, डिग्री क्या है, डिग्री का सिलेबस क्या है, मार्कशीट क्या है, वो सब काम आएंगे सर। वो तो यानी हायर एजुकेशन से भी सारे अटेस्टेड है, लेकिन फिर भी यानी ये डिस्टेंस वगैरह जो स्टडी है ना, ये थोड़ा हमें कंफ्यूज कर रहा है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जब आप एजेंसी चूज करेंगे तो एजेंसी पे लिखा होगा बकायदा कि कौन सी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी की लिस्ट भी शायद आ जाएगी, और उस यूनिवर्सिटी में किस किस तरह के कोर्स को एक्सेप्ट करेंगे। मैंने तो आज तक कभी देखा नहीं है कि अगर कोई यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड हो तो उन्होंने डिस्टेंस एजुकेशन या फिजिकल एजुकेशन में कोई कोई फर्क किया है, ऐसा कभी नहीं हुआ। ठीक है सर। मेन एक सवाल ये है ना सर, हमें कंसल्टेंट की जरूरत है कि या विदाउट ऑफ कंसल्टेंट हम कर सकते हैं? ना ना ना, आप मेरे से बात कर रहे हैं और मैंने बहुत बार लोगों को बताया है कि कंसल्टेंट की जरूरत नहीं है, आप अपना पैसा बचाएं। कंसल्टेंट को $2,000-3,000 $3,000-4,000 देने का कोई फायदा नहीं है, आपकी सिचुएशन क्लियर है और अपनी एप्लीकेशन आप खुद भी लगा सकते हैं। कंसल्टेंट की जरूरत तब पड़ती है जब बहुत सारी कोई कॉम्प्लिकेशन हो, पुराने रिफ्यूजल हो, कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो, कोई क्रिमिनल प्रॉब्लम हो या डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम हो, तब कंसल्टेंट जो एक्सपीरियंस है शायद कुछ हेल्प कर पाए। लेकिन अगर आपके सिचुएशन में हर चीज फिर कंसल्टेंट ही कोई जरूरत नहीं। सर पहले से तो मैं कंसल्टेंट के बारे में सोच रहा था, फिर आपके चंद वीडियो सर मैंने देख लिए तो उससे बहुत खुशी हुई, फिर मैंने ये डिसाइड किया कि आपको कॉल लगाए थैंक तो यू। ये काम करे, क्योंकि मेरे एक दोस्त है इधर समझो कुलीक है, उसने एक कंसल्टेंट को पैसा दिया है, वो कराची का रहने वाले पाकिस्तान में, तो परसों उसका मेरे साथ मुलाकात हुई तो वो बोल रहा था कि यार अभी वो बंदा कॉल नहीं उठा रहा। ऐसे ही होता है एक्चुअली डॉक्टर सर मुश्किल था, तो उसने बोला कि हम आप स्टडी वीजी पर भेज देंगे और आपके लिए उधर एडमिशन लेंगे, ऐसे इधर उधर। ये सब गलत बातें हैं। देखिए किस्मत से डॉक्टर और वकील अच्छा मिल जाए, किस्मत से मिलते हैं, अगर अच्छा मिल जाए तो जिंदगी तर जाएगी, अगर कोई खराब मिल जाए तो जिंदगी डूब सकती है। कंसल्टेंट इमिग्रेशन लॉयर्स वाला जितने भी ये काम करते हैं, पहली बात तो ये देखना चाहिए कि वो लाइसेंस है कि नहीं है, लाइसेंस होने के बाद देखना चाहिए कि उसको कितना तजुर्बा है इस तरह के केसेस में काम करने के लिए। तीसरा, वो हर एक चीज को आपको लिख कर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, मुंह जबानी बातें तो मैं काम खराब नहीं हो रहा, हर एक चीज का एक कॉन्ट्रैक्ट रिटन होना चाहिए, जो पैसे दे रहे हैं उसकी रसीद होनी चाहिए कि अगर खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम हो गई, अगर उसके बारे में हमें कोई कंप्लेन करनी पड़ी तो हम कंप्लेन कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसे एहतियात नहीं देखेंगे और कभी ना कभी धोखा आपके लिए ऑलवेज तैयार है। तो कंसल्टेंट का मैं समझता हूँ कि 50% कंसल्टेंट जो लोग 50% ज्यादा जो इस वक्त जो ये धंधा कर रहे हैं उनके पास लाइसेंस नहीं है या उनके पास अपना कोई बैकग्राउंड नहीं है जिस तरीके से वो आपको एक सही तरीके से काम आपका अंजाम दे। तो मैं तो लोगों से कहता हूँ कि भाई जो की वेबसाइट पे सब दिया हुआ है आप सीखे पढ़े जाके, कुछ वहां पर टाइम स्पेंड करके आप रिसर्च करें और अपनी एप्लीकेशन अपने आप लगाएं। सर एक क्वेश्चन और ये अकाउंट के बारे में है सर, कि अगर हम उधर अपना पाकिस्तानी अकाउंट शो कर सकते हैं और अगर शो कर सकते हैं तो उसमें अगर पैसा कमती वगैरह है तो हम एक साथ फिर डलवा सकते हैं कि नहीं? जो पैसा शो करना है ना ये फैमिली एप्लीकेशन में जो पैसा शो करना है वो चाहे पाकिस्तान में हो चाहे सऊदी में हो चाहे और कहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिनिमम 6 महीने की आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है आपकी और आपकी वाइफ की, उसमें टोटल जितना पैसा रिकमेंडेड है उतना शो होना चाहिए, इसको कहते हैं प्रूफ ऑफ फंड्स, सेटलमेंट फंड्स भी कहते हैं। तो उसमें आपको हाँ जी क्या दोबारा क्या बोलो
सर मैं बोल रहा हूँ वाइफ का साथ में लाजिम होना चाहिए कि नहीं, मेरा अकाउंट काफी है या नहीं? नहीं 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 है, वो एप्लीकेशन उनके नाम ही सब चल रही है, उनके नाम पे सब जाएगा। अगर अगर उनके नाम पे पैसा नहीं है, अगर आप पैसा उन्हें शो कर रहे हैं, तो फिर एक लेटर भी हम लोग कभी कभी लिखवाते हैं कि आपके पैसे पे उनका हक है और आपका पैसा वो यूज कर सकती हैं। इस तरह के एक थोड़ा सा एक होता है कि भी पैसे का एक्सेस उनको है, तो वो लिखवाना जरूरी होगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, अगर अभी है, तो अभी आप ज्वाइंट अकाउंट उनके नाम से अभी खोल ही दें, साथ में उनको ज्वाइंट कर ही दें, इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है सर। और पैसा अगर कुछ कम हो या कुछ एक साथ डलवा सकते हैं कि नहीं सर? अभी आपके पास टाइम है, इस प्रोसेस में कम से कम 6 से 8 महीने लगने वाले हैं, तो अभी से डलवा लें आप, तो अभी से आपकी बात बन जाएगी। आप वेट क्यों कर रहे हैं कि 6 महीने बाद डालेंगे? अभी से डलवा लें। ठीक है सर। सर ये क्योंकि ये वीडियो सबके लिए है, तो बाज़ लोगों के जहन में ऐसा एक सवाल आते हैं। सही बात है, सही बात है, यू आर राइट। हाँ, तो उसमें ये बात आपका बहुत ही जो एक सोचने वाली बात है कि लोग जिनको पता नहीं होता है, तो वो आखिरी टाइम पे आखिरी महीने में काफी सारा पैसा एकदम से शो कर जाते हैं, तो वो शक पैदा हो जाता है कि इनके पास पैसा वाकई अपना था कि कहीं से बोरो करके डाला है। तो मैं ऑलवेज रिकमेंड करता हूँ कि आप धीरे 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 उसकी हिस्ट्री बनाए, 5-6 महीने में थोड़ा थोड़ा डाल के अपना एक वो स्टेबल बैंक हिस्ट्री बनाया। ठीक है सर। सर बहुत काम आसान कर दिया आपने। सर जी, मेरा काम है आसान करना, और ये मेरा धंधा भी है, प्रोफेशन भी है, शौक भी है, और मेरे को अच्छा भी लगता है कि लोगों की हेल्प हो और आपका काम बने, मेरे को बेहद खुशी होगी। बहुत शुक्रिया सर, मैंने आपके बहुत वीडियो देखे, मैं बहुत सेटिस्फाइड हो गया सर आपसे। थैंक यू वेरी मच। और अगर कोई अगर सवाल है तो हुक्म करें सर। बस कोई सवाल हो तो इजाजत दीजिए, फिर बाद में कनेक्ट होगी। कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफिज़।